आप अभी तक सोए नहीं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त? ईशा कह रही थी पापा से कोई भी बात करनी हो तो सिर्फ रात में करनी चाहिए, सुबह जागने से पहले पापा घर से चले जाते। अच्छा, और क्या कहती है ईशा? वो कहती है कि मुझे उसके साथ हॉस्टल जाना चाहिए। ये तो बहुत गलत कहती है ईशा। हम अपनी देवयानी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकते। पापा, रोहित अंकल ने आपसे बात नहीं की? की थी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, आपके पास तो तारा है ना। कोई तारा नहीं है, मेरे साथ सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ मैं। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। फिर तारा कहाँ जाएगी? वो तो आपके होटल में काम करती है। करती थी, अब नहीं करती। आज के बाद तारा कोई नहीं है। बेटा, पापा तो तुमसे कितना प्यार करता है, अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? मैं तो बहुत रोऊंगा, रोता रहूंगा हमेशा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे पाली करती हो ना बेटा? हाँ पापा। खूब सारा, दुनिया में सबसे ज्यादा। तुम हॉस्टल नहीं जाओगी ना बेटा? ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो। बोलो बेटा। क्या आप तारा से कभी नहीं मिलोगे? ठीक है बेटा, कभी नहीं मिलूंगा, प्रॉमिस। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सो जाओ। कहाँ मिली? सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूं। क्या तारा तेरे घर में? अरे थैंक गॉड यार, मैं तो सोचा कहीं सचमुच मुझे छोड़कर ना चली गई हो। क्या कर रही है तारा? सो रही है, मतलब उसको मालूम है कि तू मुझे फोन कर रहा है? अच्छा सुन रोहित, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, अगर तारा उठ भी जाए तो उसको जाने मत देना प्लीज। हाँ, आई एम कमिंग।